इसी ओम भाई को बुलाओ। ऐसी गाड़ियाँ देखने को मिलेगी, ये डोज ना आज। तो अभी जो हम जगह पे आए ना, वो हमें दुबई में इंडिया बनाया हुआ है। पृथ्वीराज भाई ने पूरा ना दुबई में एक इंडिया छोटा सा बनाया हुआ है। पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग है, कुछ भी केमिकल्स यूज नहीं करते। और यहाँ पे हमें गायें देखने को मिली ना, तो हमें हमारी सारी गायें याद आ गई ना। अब ये बकरियाँ भी हैं, मोर भी बोल रही सर। ओके, ये एक नेपियर का छोड़ जो है वो ग्रो कर गया है, उसको बुला रहा है, खराब नहीं होगा। तुरिया हाथ में आते हैं ना तो स्मेल आती है। हाँ, बंजर जमीन उपजाऊ कर दी गायों ने, गायों की वजह से होता है। गाय है तो सब कुछ है, ऑर्गेनिक। राम राम सीताराम सबको गुड मॉर्निंग। तो अभी लिटिल ब्रदर आया है ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट में रामदेव और उनको कुछ खाना नहीं होता, तो मेन से ही बचते। तो अभी ना मैं आया हूँ मीना बाजार एरिया में। यहाँ पे बांग्लादेश, हमारा हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान, वो सभी जगह के जो लेबरर है, वर्कर, वो ज़्यादा दिख रहे हैं। और यहाँ पे जो बाजारें वगैरह है, ये दुबई की पुरानी बाजारें वगैरह है। और जो भी चीज़ें यहाँ पे मिलती है थोड़ी सस्ती मिलती है, बाकी जो डाउन टाउन वगैरह है उसमें तो बहुत ही महंगी ब्रांडेड चीज़ें मिलती है। तो यहाँ पे लोग रह भी रहे गार्डन में। और अभी रामदेव गया है मीना बाजार की साइड कुछ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक टॉर्च, नेल कटर, ध्यान रखना है, या फिर आईफोन्स, जो सारी चीज़ें बहुत ही सस्ती मिलती है। और यहाँ पे स्विमिंग पूल व्यू है और कोई कोई लोग नहा रहे हैं। हम भी सोच रहे हैं शायद जाए, लेकिन जब हेला ने ना भाई आएंगे, हाँ पापा का वो पुराना वाला है ना, तो शायद ले लेंगे। जब हेला ने ना भाई आएंगे ना, तब मज़ा आएगा। और नहाने में, बच्चों को जाने में, सो रिलीफ हुई। और सब अभी जब तक ये वीडियो आएगा तब तक वो आ गए होंगे। और अभी एक्स्ट्रा बेड यहाँ पे हमने इवनिंग को ही लगवा लिया था, तो रात को कल, तो बहुत बड़ी जगह हो गई है यहाँ पे। स्लीपिंग सोफा, ये अभी हम आपको ना जब वापस आएंगे तब दिखाएंगे, अभी बहुत ज़्यादा मेस है। और यहाँ पे स्विमिंग पूल है, तो अभी मीडियम है, इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन धूप भी नहीं है, धूप नहीं है लेकिन थोड़ी थोड़ी गर्मी होती है, तो मज़ा आता है स्विमिंग पूल में। तो अभी मैं क्या करती हूँ, जल्दी जल्दी सारा एक्साइटेड हो जाता है ना, तो क्या करता है, क्या करना है। ओम वो बोतल से मत उसको खिलाओ, ऐसे ही ट्राई करो, उसको हंसना है कुछ भी कहोगे, लेकिन बोतल से नहीं, ऐसे। तो यहाँ पे मीना बाज़ार में मेरे 3 घंटे ऑलमोस्ट निकल गए। यहाँ पे ना दुकानें पुराने वाली और खाना वगैरह भी मिल जाता है, गोल्ड शॉप्स हैं बहुत ज़्यादा, और गुजराती खाने के लिए मैं अभी जा रहा हूँ आगे। और यहाँ पे जो मिल रहा है सस्ता मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। अभी वापस मेरी टैक्सी हुई यहाँ से हयात प्लेस थे मेरा के लिए। ये है मीना बाजार बर दुबई, चीप शॉपिंग हो जाता है यहाँ पे, मैंने किया है थोड़ा बहुत, वो दिखाएंगे आपको आगे। एंड आई गॉट द मेन ड्राइविंग, ये बेबी की फेक قديش معي، قديش معك حتى تصرفي؟ معك 100 يعني؟ بہت بڑی بڑی شپ پڑی ہے ان کی، کوئین الیزابیتھ 2 بھی ہے یہاں پہ، یہ رہی یہ ان کی کسٹم آفس ہے، دبئی کسٹمز، اور پورٹ ہے یہاں پہ، और इसी की वजह से दुबई का पूरा ग्रोथ हुआ है। अभी हम निकले हैं और बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोल रहे हैं कि गर्मी है दुबई में, तो मैं बता दूं हमारे वहाँ के मुकाबले यहाँ गर्मी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अराउंड 30 डिग्री होगा सारा टेम्परेचर अभी, तो वो गर्मी नहीं बोली जाती। दुबई में बहुत गर्मी होती है वैसे, लेकिन अभी ये बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ पे। और पहले के टाइम में क्या होता था कि रमजान में मोस्टली सब बंद रहता था, अभी ऐसा है नहीं बिल्कुल, अभी सब कुछ ऑलमोस्ट ओपन है और मज़ा आ रहा है ये वातावरण में अभी। तो अभी दूसरा दिन है हमारा, तो मैं अभी कमेंट्स चेक कर रहा था अगले वीडियो के, okay, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारा मैं बता रहा हूँ।
अभी ना आप लोगों को हम दिखाएंगे कि दुबई के गांव कैसे होते हैं, क्योंकि हम गांव से हैं तो हमारा ज्यादा फोकस गांव पे होता है। दुबई के गांव कैसे होते हैं वो, और एक और चीज दिखाने वाले हैं जो पूरी, हमारे एक राजस्थानी भाई है, उन्होंने पूरी यहाँ पे गौशाला खोल के रखी है जिसमें ऑलमोस्ट सभी ब्रीड की गाय है, तो वो आपको दिखाते हैं। मतलब थोड़ी भी गर्मी होती है ना तो ज्यादा लग जाती है। सही। अभी हम लोग ना शेख रशीद रोड करके ऐसे शारजा की ओर शायद जा रहे हैं, या तो आगे उसके, और दुबई से मतलब बाहर निकल रहे हैं, ऐसे कंट्री साइड में जा रहे हैं। तो आपको यहाँ के गांव भी दिखा दें, हमारे वहाँ के गांव तो आप रोज देखते ही हो, हमारा गांव देखते हो। यहाँ जहाँ तक मैंने मतलब रिसर्च किया सब, तो यहाँ पे गांव में ना यहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं वही ज़्यादा रहते हैं, और उनकी लाइफस्टाइल, उनका रहन सहन, कपड़े कुछ चेंज नहीं होता। ये लोग एक ही ड्रेस में, ज़्यादातर वाइट कपड़ों में आपको दिखेंगे, मतलब पूरा लॉन्ग जब्बे जैसा पहना होता है और ऊपर इन्होंने बांधा होता है, जो और भी लोग हैं, और इसी स्टाइल में ये रहते हैं। कितने भी मतलब फॉरवर्ड हो, गाड़ियाँ जो भी है, लाइफस्टाइल चेंज होती है, लेकिन इनका ड्रेस चेंज नहीं होता, इनका ट्रेडिशनल है, वो ट्रेडिशन वही पकड़ के रखा है। और राजाशाही तो है ही पूरे दुबई में, तो उनका रूल्स वो है, वो ही चलता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो घूमने आते हैं ना वो लोग, यहाँ जो रहते हैं वो लोग इतना नहीं घूमते, जो घूमने आते हैं वो घूम ही लेते हैं, मतलब पूरा है ना, क्योंकि यहाँ पे जो लोग होते हैं उनको क्या होता है फिर रोज का होता है, कौन इतना घूमेगा यहाँ, तो उनका वैसे उनको काम भी करना होता है, और फिर एक दिन छुट्टी होती है तो इतना कोई घूमेगा, क्योंकि फिर थक जाते हैं। जैसे हम लोग इंग्लैंड में थे ना, तो जो घूमने आते हैं ना वो लोग बोलते हैं वहाँ गए, और भाई कहीं नहीं गए, काम करके एक दिन छुट्टी है तो आराम कर रहे। और वहाँ पे हमारा भी ये था कि हम मतलब 9 सालों में तो आप घूम ही लेते हो थोड़ा बहुत, लेकिन इतना टाइम नहीं रहता, और हम गए होते पैसे वैसे कमाने तो थोड़ा काम कर लेते, जब घूमने जाते हैं तो घूमते। और कल जो हॉर्स वाला वीडियो आपने देखा, जो यहाँ के अरेबियन हॉर्स का शो था, वो भी शायद इंडियन यूट्यूब चैनल में पहली बार होगा, क्योंकि इनकी परमिशन ही नहीं मिलती है, मतलब लकीली हमें वहाँ पे एक्सेस मिल गया, और वहाँ पे ये ऐसे बहुत लोग थे जिनके मतलब ये हॉर्सेस होते हैं, तो वहाँ पे अंदर जाने की टिकट एक तो बहुत बड़ी है, फिर वहाँ पे टेबल बुक करने के 3-4 लाख रुपये थे, तो ओबियसली कोई नहीं जाएगा, और जिनको घोड़ों में इंटरेस्ट है वही जाएगा, और इनके घोड़े बहुत ही महंगे महंगे होते हैं। ऐसी ऐसी गाड़ियां देखने को मिलेगी, ये डोज ना आई थिंक इंडिया में 3 करोड़ के ऊपर की गाड़ी है। उसके आगे टेस्ला जा रही थी, यहाँ से 100 किलोमीटर हो रहा है और 1 आवर दिखा रहा है मैप में, इसका मतलब रोड बहुत ही अच्छे हैं, जैसे हमारे देश में अभी गडकरी ने जो हाईवे बनाया है मुंबई दिल्ली वाला, जो आई थिंक 8 लेन है, और वो इतना ही फास्ट है जैसे ये हाईवे है, और पूरी मतलब ये अभी ओपन है, वो दोनों तरफ से बंद है, और बहुत ही फास्ट हाईवे बनाया। ट्रीज तो पहले के मुकाबले बहुत दिख रहे हैं, क्योंकि भाई साहब यहाँ 15 सालों से, और बोल रहे हैं कि पहले इतने ट्रीज नहीं थे, अभी इन्होंने ट्रीज लगाना स्टार्ट किया, इनकी गर्मी कम हुई, बारिश होने लगी, क्योंकि ट्रीज जहाँ पे होते हैं हमारे देशों में ट्रीज है, तो कुछ लोग काट रहे हैं, तो काटो मत यार, क्योंकि बारिश नहीं होगी, फिर काटते रहोगे। ये ना दुबई के विलेजेस हैं, और यहाँ पे ये लोग रहते हैं, अरबी ओरिजिनल जो दुबई के लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं, कंट्री साइड में रहते हैं, और कैमल मतलब बहुत सारे कैमल ही है बस। पापा थे तब भी वो बोल रहे थे कि इनके जो लोग हैं वो सिर्फ कैमल को घुमाते रहते बस, और ये अभी भी कैमल से ऊपर मतलब बैठ के ही इधर से उधर होते हैं। और ये इनके गांव है जैसे दिख रहे, ये ऐसे ही रहते हैं, और कैमल का खाना भी पड़ा है। और
ये बिजली के खंभे और दिखे अभी, ये वाले जो आ रहे उसमें लाइट जा रही है। ट्रीज लगे और साइड में खेजड़ा है, ये हमारे उधर खेजड़ा बोलते हैं, और रेत में यही एक होता है, इसको ऊंट खाते हैं वैसे। तो ये एक ही ट्री ज्यादा दिख रहा है, बाकी तो ये खजूर के ट्री है जो खजूर ही बोलते हैं, और इसमें खजूर आता भी है। दुबई की कंट्री साइड आपके सामने है कैमरे में, ये दुबई के गांव है, इसमें से एक गांव में हम जा रहे हैं आगे। लेकिन गांव में मतलब यही है, ज़्यादातर रेत ही दिख रही है। ये है दुबई के गांव के घर, बहुत ही आलीशान लग रहे हैं वैसे, बड़े आते हैं छोटे आ रहे हैं अलग अलग, लेकिन घर की डिजाइन है बहुत अच्छी है। ये हॉस्पिटल है इनका, ये हो गया घर। देखो ये बड़े घर आ रहे हैं, और जो भी घर आया ना, चार पांच गाड़ियां खड़ी है बाहर, बहुत ही खूबसूरत घर बने हुए। और हम लोगों का रहता है कि हम कहीं भी जाएं ना, आपको विलेज वहां का दिखाएं, क्योंकि विलेज की जो खूबसूरती होती है ना, वो सिटी से बिल्कुल अलग होती है। हाँ ये बैठे लोग तो जैसे भाई साहब बोल रहे हैं पाकिस्तान के ही लग रहे हैं ड्रेस से, तो वर्कर होंगे यहाँ के। ये और का लिखा है, हाँ और का लिखा हम लोग सूखा करके, हाँ ये गायों का गोबर को यही ऐसे गोबर है, और इसके अंदर मैदा डालते हैं, गुड़ डाल के मिक्स करके फिर सूखा करते हैं। हम भी यही यूज़ करते खेत में। करेली है यहाँ पे, करेले लगे हुए यहाँ पे। हम लोग आए ना, पूरा ये फार्म देख के मज़ा आया। यहाँ पे हमारे देश की तरह ही पूरी इन्होंने पूरा सेटअप किया, और गाय माता के ऊपर पूरा ये आधारित है, गौ आधारित, और बिल्कुल ऑर्गेनिक सब कुछ। इसमें मोरिंगा सरगवा है, करेला है, बैंगन देखे हमने आगे, वो भी आपको भी दिखाते और गायें भी दिखाते आपको। तो अभी जो हम जगह पे आए ना, वो हमें दुबई में इंडिया बनाया हुआ है पृथ्वीराज भाई ने, पूरा ना दुबई में एक इंडिया छोटा सा बनाया हुआ है, पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग है, कुछ भी केमिकल्स यूज नहीं करते। और यहाँ पे हमें गायें देखने को मिली ना, तो हमें हमारी सारी गायें याद आ गई ना। अब सब अभी तो 2 दिन ही हुए हमें हमारी गायों से अलग, लेकिन ऐसा लगता इसका इफेक्ट हम लोग आपको बताएंगे। इसी कारण से यहाँ आए हैं कि ये भाई साहब अभी यहाँ पे हैं जो काम संभालते हैं। आपका नाम क्या है? बाबू भाई, बाबू सिंह नाम है इनका। हाँ। और बाबू सिंह अभी हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे ये गाय आधारित पूरी खेती कर रहे हैं, और जो नहीं हो रहा है ना आसपास में कहीं पे, वो भी गाय माता की कृपा से यहाँ इनके फार्म में हो रहा है, गाय माता की वजह से बंजर में। हाँ। पूरा एक गौशाला। और कितना आपने वेजिटेबल निकाला अभी हम दिखाएंगे आगे हमारे जो व्यूअर्स। 20 क्विंटल एक बार में निकाला है, वो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ इन्होंने। और पूरा गाय के गोबर से, गाय आधारित है जहाँ, यहाँ पे वो गोबर का प्रोसेस भी है, वो दिखाते हैं आपको, आपको सब दिखाते हैं। लेकिन पहले वहाँ पे ना एक गाय का मिल्किंग अभी हो रहा है, तो वो बछड़ा भी आपको दिखाते हैं। अलग अलग ब्रीड है, तो अभी भाई हमें इंट्रोड्यूस करेंगे कौन सी, क्योंकि हमने इवन इंडिया में भी ये सारी ब्रीड का नाम पता है लेकिन देखी नहीं है, जिसमें हमारी एक गिर भी है आगे। हाँ। वो भी है, दिखाएंगे आपको। राजस्थान राठी बोलते हैं, राठी है ये। हाँ। बछड़ी है साथ में, और ये राठी नस्ल की गाय है यहाँ पे। हाँ बाहर निकालेंगे, ये मेल काफ है, ये बछड़ा है। हाँ ये भी राठी है, ये साइज में बैठने की जगह पे कितनी सॉफ्ट
मस्त है ना, क्योंकि रेत है यहाँ पे पूरी और ये रेत भी ना पूरा, जैसे यहाँ की रेत भी बहुत अच्छी लग रही है, पूरा गोल्डन टाइप की लग रही है। लेकिन दुबई में ऐसा सेटअप देख के बहुत मज़ा आ रहा है, और हमारे जो लोग होते हैं वो कहीं पे भी जाए अपना घर साथ लेके चलते हैं तो अच्छा लगता है। और ख़ास करके गायों की सेवा हो रही है, और गायें रिटर्न में क्या दे रही है वो तो बाबू सिंह ने बताया ऑलरेडी। तो हम हमारे व्यूअर्स को यही बोलना चाह रहे हैं कि हमारे वहाँ गाय अवेलेबल है ये भाई। हाँ, हमारा भी वही रूल होता है कि दो आँचल का दूध इसको पिलाना है, दो आँचल का हम निकालते हैं। और गायों को ना एकदम ये जगह अच्छी है, जैसे हमने गौशाला में आधा पार्ट जो रखा है ना कच्चे वाला, जहाँ पे गाय अच्छे से बैठ सकती है, वैसे इन्होंने यहाँ पे सेटअप करके रखा है पूरा। और ये गिर, गिर है, गिर आई ना, गिर भी नहीं मतलब गिर देसी बोल सकते क्योंकि गिर तो हम वहाँ पे रख रहे तो हाँ ऑलमोस्ट गिर, लेकिन देसी है ये, कान मुड़े हुए और हाँ शांत स्वभाव की है, गिर होती है शांत और बछड़ी है साथ में। हाँ ये भी देसी होगी, मिल्किंग टाइम है ना तो सबके साथ बछड़े बछड़ियाँ हैं। ये कौन से बोलते हैं फिर, यही से? हाँ इसलिए थोड़ा कान उसके ऊपर गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो हम ऐसे ही रहते हैं फार्म में तो बच्चे यूज टू है। ये बुल रखा हुआ तो ओनर का नाम एक बार बता दूं, पृथ्वीराज सिंह राठौड़, नाम लेने में ही रुतबा है इनका। तो हाँ। गायों के पर्सनली शौकीन है ऐसा? गायों के शौकीन है हम लोग, इधर 25 साल से सारा हमारे ये इधर रहते हैं। अच्छा, और ऐसे पहले ऊँटों में आए थे। अच्छा, ऊँटों का काम करते करते वहाँ से यहाँ, वहाँ से आप देखो। अच्छा, ये सब हम लोगों के लिए, यानी कोई ऑर्गेनिक बीमार कोई नहीं हो तो पूरी दुनिया है। देखो अब गायों से इन्होंने अभी बताया यहाँ पे कि ये जो वेजिटेबल उन्होंने लगाया ना उसमें 3 गुना उनको मुनाफा मिला सिर्फ गायों की चीज़ों की वजह से। मम्मी बोला वे नहीं दिखा जा। हाँ मस्ती में मक्खियाँ इनको थोड़ी परेशान करती है। तो ये कुकड़े हैं और ये मक्खियों को खाते रहते हैं, हमारे फार्म पे इसकी जरूरत है वैसे। हाँ कीड़े वो सब कुछ जी मेल होए ना थोड़े ना खटाया हूँ सासुई बस। इसमें जो मेल वाले रहते ना वो अटैक करते बच्चों पे। देखो हाँ कड़कनाथ है। हाँ हाँ हमारे इधर होते हैं ना कड़कनाथ। अपने हम मीनू हैं, मीनू। कुछ ना कुकड़े यहाँ पे भी हैं और ये गौशाला के साथ होते ही है ताकि ये थोड़े कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं, मक्खियाँ खाते रहते हैं। ये बकरियाँ भी हैं, मोर भी बोल रहे हैं सर दूसरे खेत में, लेकिन यहाँ पे है सारे बर्ड्स। छोटे बच्चों के साथ हम खेल रहे हैं ना यहाँ पे, बड़े बच्चे देखो सब देखो वो भी वेट कर रहे हैं। चलो सिंह बुला रहा है सबको यहाँ पे, एक वाइट वाला है। ये सब एनिमल बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि घर पे यूज्ड टू है ऐसे कर रहा है तो जाता रहता है पास में। अभी देखो ओ पकड़ रहा है, देखो वो जैसे हमारा बिल्ला को उठाता है, देखो वो कैसे बोल रहा है मां, फिर आज फेर रहा है। हाँ क्योंकि वो घर का यूज टू है, वो बछड़े के साथ खेलता रहता है। इसका लाइव है ये कैमरा, सीसीटीवी लगे ना जी। तो वो गाय अभी बच्चा दी है 4-5 दिन पहले, लेकिन हमारी गिर है पूरी गाय जो है। हाँ प्योर गिर है। और इसका ना बेस्ट क्या है, यहाँ पे खुला है सब कुछ तो घूम सकते हैं, अंदर है पूरा। यहाँ पे और कोई एनिमल तो नहीं आते होंगे ना, कोई जानवर जंगली हमारे घर के जैसे ही नेपियर लगाया है और गायों का चारा लगा हुआ है, जहाँ पे जिंजवा भी लगा हुआ है, नेपियर भी लगा हुआ है और हमारे जो वेजिटेबल्स है सारे वो भी लगे। हाँ एक गोत अंदर गया तो फिर सब गए, सब आधे गए। हाँ शिव को क्या खेत जैसा लगा, जैसे खेत देख लिया ना तो उसको लग रहा है घर पे आ गए वापस, क्योंकि 2 दिन से होटल फ्लाइट वगैरह में घूम रहा है ना तो अभी खुली जगह इसको बहुत पसंद है अपना घर। और पानी का क्या होता है यहाँ पे? पानी तो हम लोग बहुत कम पी देते हैं, 2-3 मिनट ऐसे पानी पिलाते हैं। हाँ अच्छा, ये टपक से देते हैं ना। हाँ टपक से देते तो पानी का बिगाड़ भी नहीं होगा और नहीं होता बिल्कुल, पानी वेस्ट नहीं होता। मतलब नीचे से मतलब वो यहाँ पे बोरवेल करते हैं, बोर करते हैं, बोरवेल है एक इसका पाइप है। ओके ये एक नेपियर का छोड़ जो है वो ग्रो कर गया है, इंडिया से लेके आए हमारे
अच्छा इंडिया से लेके आए वो इसकी कतरियाँ आती है कतरियाँ हाँ। वो उसमें से फूट जाती है। और ये ग्रास देखो ये हमारा जिंजवा की वेराइटी हमारे घर पे जो लगा है ना हम लोग बोलते हैं कतम्बुरा मस्कट जो है सी ना बकरियां देख लेता है बच्चों को तो उधर खेलता रहता है उसको सामने जाता रहता है हाँ बुला रहा है उसको आजा उसको बुला रहा है कि आ जाओ। इसमें ना हमारे पास इंडिया में भी नहीं होते ना इतने सारे वेजिटेबल्स पूरे लगाए हुए ये बेर लगे हैं व्हाट खट्टे वाले देखो नीचे इसी स्मेल आ गई तो पता चल गया तूरी भी है जो हमारे घर पे होती है वो वाली तूरी यहाँ पे लगाई है इन्होंने। ऐसे गायों के पीछे प्रेम भाव लगाओ और दुबई में भी इतना बड़ा बिजनेस टाइकून आप बन गए हैं उसके बाद भी गायों को छोड़ नहीं रहे हैं देसी घी को छोड़ नहीं रहे हैं। नहीं हमने छोड़ा था। अच्छा हम थोड़े उछाल पे थे हाँ और फ्लाई मूड में हो गए थे फ्लाई मूड में तो क्या हुआ कि जब बाहर का खाना खाया ना हाँ खा के ये हमारे आते सब खराब हो गई। अच्छा और आखिर में हमको इलाज हमने ढूंढा गाय जब रखी हमने गाय का दूध दही घी खाया देसी का हाँ। तभी जाके हम वापस सेट हुए। क्या बात मेरा वजन 30 किलो घट गया था। अच्छा हाँ 30 केजी वजन गिर गया था हाँ तो मैं इंस्पेक्शन हो गया था और बाद में आखिर सब कुछ डॉक्टरों के पास जाके थक गए थे और आखिर में गाय को ही हमने पाला और गाय पालने के बाद हुआ गाय तो रखी लेकिन हुआ क्या कि गाय हमने चारा बाहर का लेके आए तो भी रिजल्ट नहीं मिला बाद में हमने ऑर्गेनिक घास उगाया वो खिलाया तब सब रिजल्ट मिला तो खराब नहीं होगा। तुरिया हम इसको तुरिया बोलते देखो यहाँ पे कैरस भी लगे हुए। अच्छा शिव ओम के पास है ओम लेना पड़ेगा थोड़ा अच्छा यहाँ पे कैरेट लगे हैं मूली भी लगी हुई है पूरा ना देखो हमारे हम कभी कभी बोलते हैं कि पानी का प्रॉब्लम है ये तो ये कम पानी में पूरा हुआ हाँ। दो मिनट पानी है गाय माता की कृपा है सारी हाँ। गाय माता की कृपा है क्योंकि गायों की वजह से इनके गोबर और गौमूत्र की वजह से ये सारी जो यहाँ पे नहीं होती होगी वो भी होने लगी है वेजिटेबल्स। मैं इधर 10 साल से ये वेजिटेबल का काम करता हूँ मैंने इधर आए मेरे को 2 साल हुए फर्स्ट टाइम ऐसे मैं ऑर्गेनिक ऐसा देखा गाय की वजह से तो ये देखो ये प्रूव हो रहा है कि गायों की वजह से सिर्फ हो रहा है ये तो दुबई में ये चीजें। बाबू सिंह जी आप कितने सालों से मतलब बोला 97 में मैं इधर से हूँ इधर हो तो मेरे पापा 95 से 97 तक इधर थे लेबर के काम में आए थे जी तो तब से आप इधर हो और ये पहली बार आप देख रहे हो ना ये वेजिटेबल्स। पृथ्वीराज सिंह जी हमको इधर लेके आए और मैंने पहले ऑर्गेनिक किया लेकिन वो अरबी के साथ में किया था उसमें यूरिया खाद वगैरह वो डालते तो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। इधर फर्स्ट टाइम ये गायों की वजह से ऑर्गेनिक अभी हुआ हाँ हुआ रिकॉर्ड हुआ हाँ। और गाय हमारी देसी होनी चाहिए जिसके ऊपर कोंद है बिल्कुल वो गाय राठी हो गई साहिवाल हो गई गिर हो गई कांकरेज हो गई जितनी भी जिनके ऊपर कोंद है मैं हमेशा ही हमारे वीडियो में बोलता हूँ कि जिनके ऊपर सुलिया नाली है हाँ। वो हमारे देश की देसी गाय है जिसमें HF नहीं इंक्लूड होलेस्टिन इंक्लूड नहीं है बिल्कुल। बाकी जितनी भी हिंदुस्तान की गाय है उनका श्री कृष्ण भगवान ने इसलिए गाय चराई और गायों का महत्व बताया और जितने भी हम लोगों ने गायों के लिए बलिदान दिए उसका कारण भी यही है बिल्कुल सही बात। ये आलू है आलू भी लगे हैं ये मूली है हाँ इस तरफ मूली है कैरेट्स लगे हैं लहसुन है या ये प्याज है प्याज लगी है निकाल दिए थे पहले ये मूली के बीज ऐसे हम हाँ, छोड़ दिए अभी निकालेंगे तो उसमें से ये इसके बीज हो गए ये बस 10-15 दिन में पक जाएंगे। मिर्ची भी लगी है क्या इधर हाँ मिर्ची आगे मिर्ची है अच्छा ओ सब कुछ लगा है रेडिश लगा हुआ है यहाँ पे ये इसमें टमाटो है टमाटो अभी इसके अंदर है हाँ अभी लगाए हैं पहले और भी वो फिनिश हो गए ये है मिर्ची। तो आपको इधर इनकी प्राइस है मतलब ऑर्गेनिक है तो क्या मिलती है अच्छी प्राइस मिल जाती है? नहीं सर हम तो अरबाब हमारे खुद के लिए बेचते। अच्छा आपके सिर्फ आपके यूज के लिए हाँ बिल्कुल अपने स्टाफ के लिए। अच्छा दूध वगैरह ये घी ये इतना वेजिटेबल सारा कुछ बिल्कुल अपना स्टाफ के लिए स्टाफ के लिए। तो फिर तो आप लकी हो यार क्योंकि वेजिटेबल आजकल ऑर्गेनिक चीजें बहुत महंगी मिल रही है फिर भी अच्छी नहीं मिल रही। हम लोग तो बहुत लकी है दुआ करते हैं भगवान से हम लोगों की उम्र बढ़ गई है पृथ्वीराज सिंह की वजह से जी। सो आप उनको आशीर्वाद देते रहिए तो उनकी भी उम्र बढ़ती रहे। हर टाइम आशीर्वाद देते सही बात दिल से। ये मिर्च मिर्च की ये वैरायटी भी लगी है यहाँ पे 2-3 रेड वाली भी है ग्रीन चिली ग्रीन है ब्लैक है
अच्छा ब्लैक भी है? हाँ वो छोटे छोटे वो ब्लैक है। आगे अच्छा ये रहे ब्लैक वाले भी? हाँ हाँ ये ब्लैक वाले, ये तो मैंने भी कम देखी है सर। ये बहुत ही तेज है, तीखी होती है ये? हाँ थोड़ी तेज होती है। ये ब्लैक मिर्च है, लाल तो देखे होंगे मिर्च, लेकिन ये ब्लैक इंडियन है। ये तो इंडियन है? हाँ ये इंडियन है, ये भी है इंडिया की, लेकिन ये है बीन्स। हाँ। तो बाबू सिंह बोल रहे कि पृथ्वीराज सिंह ने क्या किया कि ये सारा कुछ सिर्फ स्टाफ के लिए, स्टाफ के लिए, ये कोई बेचते नहीं है? नहीं नहीं, नहीं सर बिल्कुल, सिर्फ स्टाफ को खाना है, काम करना है। तो हाँ। दूध वगैरह यहाँ पे जो भी वेजिटेबल्स है इनको, तो मैंने बोल रहा है कि आप लोग बहुत लकी हो क्योंकि ऑर्गेनिक वेजिटेबल लोगों को कितने पैसे दे के भी नहीं मिल रहा। भिंडी भी लगी है यहाँ पे देखो, और दूसरा ना देखो पूरा ये जैसे हम गोबर उठाने के लिए सब कुछ है, तो सारे इसमें गोबर देखो ये बारीक कर देते ऐसे, और फिर ये जहाँ पे भी डाल दिया ना, मतलब ये लहसुन है आगे अभी लगाया ये। अच्छा हाँ हाँ वो लगाने वाले, वो लगा दिया। अच्छा लगा दिया। तो ये था सारा वेजिटेबल डिपार्टमेंट, और ऐसे ये हाथ में आते हैं ना तो स्मेल आती है लिटरली कि गाजर की स्मेल आती है। जैसे मार्केट में आप लेने जाओगे पास में लगोगे फिर भी स्मेल नहीं आएगी, ऑर्गेनिक होती है उसकी स्मेल आती है। हाँ जमीन जमीन बंजर जमीन ये भी उपजाऊ होगी। हाँ बंजर जमीन उपजाऊ कर दी गायों ने, कि हम कितना भी अभी लाइफस्टाइल आगे बढ़ रही है लेकिन इतना सारा केमिकल वाला खाते फिर बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आती है। तो सिंपल लाइफ जीने में मतलब ऑर्गेनिक खाना खाना चाहिए कोई केमिकल के बिना, और गाय गाय रखनी चाहिए। यहाँ पे ये देखो ये पूरे धनिया लगे हुए, यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स मतलब यहाँ पे पूरे स्टाफ के लिए है, यहाँ पे लगाए हुए पूरे। यहाँ पे देखो करेले लगे हुए अभी तो छोटे छोटे हैं, यहाँ पे है बहुत सारे, ये पूरा मतलब पूरा सिस्टमेटिक किया हुआ है, बहुत अच्छे से लगाया हुआ है, ऊपर भी ये कवर कर सकते, तो बहुत इसमें ध्यान से सारे वेजिटेबल्स लगाए हुए हैं। बैंगन है, टमाटर है, दूधी तूरी जो बोलते हैं, सभी तरफ की अलग अलग टाइप की मूली है, पोटैटो है, प्याज है, गार्लिक है, मतलब आप जो भी सोचो वो सारे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स यहाँ पे हैं, और पूरा बंजर ज़मीन में से गायों के साथ ऑर्गेनिक कर रहे, तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके ये देख के सारा। यहाँ पे भी सरगवा लगाया हुआ है ड्रम स्टिक, क्योंकि सरगवा बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है। गाय का गोबर हम लोग लेके जाके वो ठंडी छाए में ऐसे थोड़ा फैला देते हैं। अच्छा फिर उसको हम मैदा डालते हैं ऊपर, मैदा डाल देते हैं। मैदा और गुड़ ये तीनों मिक्स करके फिर उसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करके फिर सूखा करते हैं। सूखा करके फिर हमारा मशीन लगी हुई है इधर, मशीन से बिल्कुल ऐसे वो पंप लगे बड़े 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 पंप लगा हुआ, वो पंप से बिल्कुल ऐसे बारीक कर देते हैं ऐसे आटा का नमूना, उसे फिर उस वो हम लोग यूज़ करते हैं वेजिटेबल में डालते हैं। इनको पड़ोसी को भी ये अरबी है इनको भी देते हैं। हाँ। गेहूँ लगाया पहली दफ़े, अभी गेहूँ मैंने देखे। हाँ। उनके और गेहूँ हुए? हाँ बहुत ज़बरदस्त हुए गेहूँ। हाँ। हाँ। तो क्या होगा कि ये गौपालन करेंगे और इनके यहाँ अनाज होने लगेगा? हाँ हो जाएगा, इसका एक बीमारी ये खा के यूरिया के कितने वजह से। हाँ तो ये होगा क्योंकि गाय है तो हो सकता है। हाँ हाँ गायों की वजह से, गायों की वजह से होता है सब, गाय है तो सब कुछ है ऑर्गेनिक। कितना टाइम हुआ इसको अभी? इसका 11 दिन हो गए। 11 दिन ही हुए बस दूध पीती है ना, बहुत हेल्दी हो गई अब। हाँ मस्ती करनी अभी अभी ये नंदी है हमारा। हाँ इसकी कट रही है। तो ये सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे इस तरह से सेटअप किया हुआ है, करेले की करेला दिख रहा है, करेला भी सामने। और दुबई में इंडिया जैसी फीलिंग आ रही है यहाँ आके, अच्छा ये, लगा। ये है मशीन, वो इसकी खाद की मशीन। अच्छा खाद इसको पीस देते हैं। ये है वो हमारे गाय की कटिंग वाली मशीन। अच्छा इससे कट करके वो खिलाते हैं? हाँ इसको कट करके बिल्कुल छोटा बारीक करके फिर हम लोग। तो ये आपका आपके फार्म का ही ग्रास है ना? हाँ हमारा फार्म का भी। तो ये तो हमारे उधर भी है ऐसे वाला ही है। हाँ ऐसे वाला ही है। हाँ ये शार्प कटर होता है। हाँ। ये काट देता है पूरा ऐसा बारीक बना देता है। बिल्कुल बारीक बना देता है, फिर गाय खाती है तो अच्छा इनको खाने में आसान रहता है और आसान रहता है।
अगर बड़े वाला होता ना गाय क्या करती है, नीचे गिरा देती है मक्खी की वजह से, तो वो फिर गोबर वाला हो जाता है, ये छोटा हो जाता है। एक चीज देखी हमने, आप ये भी रखते हो ना, सेंधा नमक जो बोलते हैं इसको, लीक करता है चाटने से अच्छा होता है। हाँ ये आइडिया अच्छा यहाँ पे लगा दिया है तो। शिव आता है जो हमारे घर पे भी है गाये सब, और बछड़े सबके नाम है, मतलब उसको नाम से बुलाते हैं। ये इसका बच्चा है ना। अच्छा, आप भी राजस्थान से ये भी राजस्थान से सब सब हमारे। अच्छा, लेकिन जो गायों का काम करते ना वो उसको पता चल जाता है, गायों के साथ प्रेम होता है जैसे हम करते ना, तो ये भाई साहब करते हैं गायों का भी। ये तो, वस्ता भाई है हमारे उधर भी है, उनका नाम वस्ता भाई, हमारे गायों का काम संभालते हैं। वस्ता भाई सेकंड। आपका नाम क्या है? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह, आप दूध दूध निकाल लेते हो? हाँ, देखो अट्टा कट्टा बंदा लग रहा है क्योंकि दूध निकाल के खुद ही पीते हैं। हाँ, क्योंकि गायों की सेवा भी होती है साथ साथ में, और उसका एक प्यार से करे तो ही वो काम हम एक कनेक्शन हो जाता है। इन्होंने सेंधा नमक भी रखा है यहाँ पे। मैं वही बोल रही थी अभी। ये हाँ, है जो हम मैं भी हमारी गौशाला में रखता हूँ। हाँ, ये इंसान भी खा सकते, खास करके हार्ट पेशेंट ये खाए तो बहुत ही अच्छा है, और गायों को जब जब जरूरत रहती है ये यहाँ से लिक कर लेती है। नमक खाना अच्छा है उस नमक से। हाँ, देखो ये सिस्टम है, बाहर आए ना तो इसके ऐसे बांध लेना, हार पहना देना इसको। हाँ, इसको हाथ फेरो तो ये खड़े रहेंगे ऐसे। टीपू, टीपू, हाँ टीपू नाम है। सिव, जो इसको तो बच्चे बहुत जो अंकल लेके जाते हैं तुमको। नहीं जाना, अभी थक गया थोड़ा। टीपू अभी 3 महीने की है, और ये राठी गाय भी खूबसूरत होती है, दूध भी अच्छा देती है। हमने पहली बार देखी है ना। साहिवाल एक होती है, साहिवाल। हाँ, वो आपके उधर होती है राजस्थान? राजस्थान। हाँ, तो गाय जिनके पास होती है ना वो उनका फोकस गायों पे ही चले जाता है। ओम, हमारी जो गाय है ना, पता है आभा और सब आ जाओ। ओके, यहाँ पे सभी जगह अभी बच्चों को थोड़ी देर 1-2 घंटे के लिए मम्मी के साथ छोड़ देते हैं। वो बछड़ी भी प्यारी है, छोटी वाली। वो हमारी देसी वाली है ना, हमारे हाँ, उधर की गिर, देसी गिर है। लेकिन वो उसका जो बाप बुल है वो पास में खड़ा है, वो है मम्मी। हाँ? जो है वो देसी है गिर। डोकी थी नहीं पकड़ ले हुई पड़े। देखो ये कितनी मस्ती में है अभी बछड़ी। 11 दिन की बच्ची है, मतलब हमारी परी है उसके से थोड़ी सी बड़ी है बस। हमारे घर भी एक गाय ने अभी बच्चा दिया, मैं अभी लाइव कैम में दिखा रहा था इनको। अभी दादाजी नहीं है ना, तो हाँ, यहाँ पे दादाजी मिल गए। हाँ, शिव को, लेकिन शिव को रहे। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके देख के सारी गायें, और जो पूरा प्रोसेस करते हैं गायों का, ये पूरा ग्रास सुखा के फिर सुखा करके फिर मशीन से कटिंग करके फिर कटिंग करके फिर देते हो गायों को। ये क्या, ये गिलोई? गिलोई अपने अपनी देसी गिलोई। हाँ, और ये भी ग्रास है ना, ये भी नेपियर, नेपियर नहीं है, ये हमारे वहाँ जिंजुआ बोलते हैं इसको, हम वालोर बोलते हैं। हाँ, वालोर बोलते हैं। और इसकी सब्जी बहुत अच्छी बहुत होती है। इसमें भी 2-3 आते हैं, एक वाइट वाली आती है, एक रेड वाला आता है। हाँ, ये 2-3 नमूना है। हाँ, पूरे बीन से लगाए हुए ये सरगवा, मुरिंगा, मोरिंगा बोलते हैं। हाँ, दूधी हम इसको बोलते, आप लौकी बोलते हो? दूधी भी बोलते हो? घिया भी बोलते हैं। हाँ, इसका बीज हम लोग यहाँ पे हवन कुंड भी है तो हवन भी करते हैं। तो ये श्री गिर गोरस वैदिक बिलोना गोंडल में बनता है, रमेश भाई के यहाँ रमेश भाई बनाते हैं। हाँ, और ये दोनों तरफ घूमता है, दोनों तरफ घूमता है। और चंदन की बिलोना भी लगा है यहाँ पे, इंडिया से लाए हैं। ताकि इन लोगों का किचन भी यहाँ पे, ये लोग खाना सब इधर बनाते हैं, और गाय का सारा कुछ दही होता है, फिर मक्खन, फिर घी, सब कुछ होता है। ये जगह पे ना ऐसा लगता है कि यहाँ पे रुक जाए, बहुत ही शांति मिलती है, बर्ड्स की आवाज़ आती है, पूरा नेचुरल है। यहाँ पे पूरा हवन कुंड बनाया हुआ है, वो भी पूरा गाय के गोबर से लीपा हुआ है। उस
उसमें गायों का खाना है, मतलब गेहूँ मक्की ज्वार सभी तरफ तरह का गायों को खाना मिल रहा है यहाँ पे। और ये है उनको यहाँ पे बैठ के खाते, ये लोग यहाँ पे ही रहते, यहाँ पे कुकिंग करते, फिर सब लोग साथ में यहाँ पे ही रहते, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके देखा। और इतना सारा देखने के लिए पूरा राजस्थान पूरा इंडिया यहाँ पे देख लिया हमने दुबई में। सो थैंक यू, और थैंक यू पृथ्वीराज सिंह भाई को भी कि हमें ये मौका मिला यहाँ पे विजिट करने के लिए। और आप जब इंडिया आओ तो गुजरात आना जरूर। हमारी गाय हम दिखाएंगे आपको। अभी आप YouTube ना, अभी हमारा रूम पूरा क्लीन लग रहा है अभी, क्योंकि क्लीन हो गया है ऑलरेडी। तो कभी ना रामदेव यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे रामदेव को खाना खिला रहा है, अभी चिप्स दिया है चिप्स रामदेव को दिया, फिर याद आया कि ये केचप में नहीं नहीं डुबाया था इसको, फिर केचप में लगा। शिवम भाई को बुलाओ, नहीं ओम भाई को बुलाओ, शिवम नहीं बोले क्या, ओम किधर, ओम शिव बापा को बुलाओ।